गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के कॉन्क्रीट ऑपरेशंस में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट एक्स साइट। पहले क्या हुआ था, प्रिकॉशन इन स्टोरिंग सीमेंट। प्रिकॉशन मतलब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमको सीमेंट को स्टोर करने में। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, स्टोरेज ऑफ सीमेंट एट साइट। अगर बहुत ज्यादा यूज क्वांटिटी क्वांटिटी मात्रा बहुत ज्यादा है तो कैसे स्टोर किया जाए, वो भी मैंने बताया, वेयर हाउसेस एंड सिलोज है। अब नेक्स्ट किसका आया, साइट मतलब जहां तुम्हारा वर्किंग चल रहा है, जहां तुम्हारा वर्क परफॉर्म करना है या वर्क कर रहा है या उन्हें कार्य करना है वहां पे, उस जगह पे क्या करेंगे। उस जगह पे तो कोई सावधानियां बरतेंगे। अगर सोचिए, सपोज करिए कि मैं कंस्ट्रक्शन, मेरी ढलैया चल रही है, छत की ढलाई चल रही है, कंक्रीटिंग स्लैब कंक्रीटिंग चल रही है, अचानक बारिश आ गई या बारिश का मौसम में कंक्रीटिंग हो रही है, तो सीमेंट को भी बचाना जरूरी है ना। तो मॉइस्चर नमी से तो बचाना सीमेंट को जरूरी है ना, क्योंकि 2% तक अगर सीमेंट में मॉइस्चर नमी रहेगा तब तो चलेगा, 5 से 2 तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से ज्यादा हुआ, जब भी 5 से 5 की बाउंड्री लाइन क्रॉस किया तो यूजफुल नहीं रहेगा, अनफिट हो जाएगा, उसका यूज हम कर देंगे, बट वो जो स्ट्रेंथ है, जो चीजें मजबूत जो मिलनी चाहिए मुझे, वो 28 दिन पे या कभी भी स्ट्रेंथ वो हमको नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, तो अपने मटेरियल को सेफ रखते हैं। सिर्फ अगर नहीं रखेंगे मटेरियल को तो मुझे स्ट्रेंथ तो देगी नहीं, जब स्ट्रेंथ नहीं देगी तो फिर मेरा तो कॉस्ट जो है पैसा है, तो लेबर कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, सारी कॉस्ट क्या है, वेस्टेज। तो ये देखते हैं क्या है, पहला पॉइंट है सीमेंट शुड बी यूज्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट यूज बेसिस। मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट यूज बेसिस, मतलब समझ में आया, कुछ पॉइंट से समझ में आया, सीमेंट शुड बी यूज्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट यूज्ड बेसिस। पहले जो है उसको पहले यूज करेंगे। अगर मेरा देखिए, सोचिए क्या क्या है, एक सीमेंट का मैंने मंगाया, जैसे जैसे हमको नीडेड पड़ती जरूरत पड़ती वैसे वैसे हमने सीमेंट मंगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार सारा कहीं जैसे छत की ढलाई होती है तो एक ही बार मंगा लेते, ठीक है, अलग बात है। लेकिन अगर कॉलम की ढलाई चल रही है, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, एक बार 10 बोरी 5 बोरी मंगा लेंगे जैसी नीड होगी, उसके बाद जैसे जरूरत होगी फिर कुछ दिन बाद मंगाएंगे, या फिर छत की कॉलम के लिए बीम के लिए एक बार मंगाएंगे, फिर जो स्लैब होगी छत की जब ढलाई होगी तो दूसरा चरण में कुछ और मंगा लेंगे, ज्यादा मंगा लेंगे, तो दो शिफ्ट हो गया। तो क्या करेंगे, जैसे सोच लें, एक क्या किया, एक तारीख को सीमेंट मंगाया, एक 5 को मंगाया, है ना, एक 5 तारीख को मंगाया, एक तारीख को मंगाया, तो पहले कौन आया, एक वाला आया, एक तारीख को पहले आया था ना, और डेट को पहले आया था, तो पहले जो सीमेंट फर्स्ट को आएगा ना उसे पहले यूज करेंगे, 5 को बाद में यूज करेंगे, समझ रहे ना। जो पहले आया था फर्स्ट को, पहले कौन आ रहा 5, 1 नंबर पहले आ रहा है, दूसरे बाद कौन आ रहा, 5 आ रहा, तो पहले क्या करेंगे, 1 नंबर बोलेंगे, मतलब जो फर्स्ट डेट को आया था उसको पहले यूज करेंगे, 5th डेट को आया था उसको बाद में यूज करेंगे। तो यही होता है सीमेंट शुड बी यूज्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट यूज बेसिस, मतलब जो पहले आया वो विनर। सोच लीजिए जो पहले फर्स्ट आया वो विनर है, बाकी के काउंटिंग नंबर है, तो वही हिसाब से सोच लीजिए जो पहले आया उसी को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। नंबर ऑफ बैग्स स्टोर्ड शुड बी
सफिशियंट पावर, सफिशियंट पावर वन टू टू डेज कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खपत होता है क्या, मतलब क्या खपत, खपत होता है ना, जितनी लग रहा है जितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी मात्रा में क्वांटिटी निकाली जाती है जब भी कोई काम किया जाता है। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो उसमें पहले प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाला जाती है कि किस प्रोजेक्ट में किस मेंबर में कहाँ पे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी मटेरियल लगेगी, मटेरियल कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, कोई जो मटेरियल है उसकी कास्टिंग की जाती है, एस्टिमेटिंग की जाती है, फिर उसके बाद कास्टिंग चीजें होती हैं। तो क्या है, नंबर ऑफ स्टोर शुड बी सफिशियंट फॉर वन टू डेज कंजम्पशन, मतलब एक दो, मतलब मुझे है, मुझे जैसे कि बीम का काम दो दिन तक या तीन दिन तक चलेगा, जितने का बीम की दो दिन दो तीन दिन काम करेगा, या फिर जितनी क्वांटिटी है कि एक एमक्यू या दो एमक्यू या तीन एमक्यू जितनी क्वांटिटी लगेगी, एमक्यू में किया जाता है जितनी क्वांटिटी, जितनी एमक्यू कंक्रीट लगेगी उस हिसाब से सीमेंट एक दो बार बना लिया जाता है, अपने खपत के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी से उतनी ही मंगाई जाती है। ऐसी नहीं है मुझे जरूरत है थोड़ी सी, मैं बहुत ज्यादा मंगा लिया पहले से स्टॉप कर लिया, क्योंकि सीमेंट की ऐसी भी जितने दिन हो कि मैंने पिक्चर जब बनता है ना उससे जितने दिन जितने महीने अगर ज्यादा होते जाते हैं ना, जैसे तीन महीने हो गया, दो महीने, छह महीने, जैसे दिन गुजरते जाते हैं ना, बनने के बाद जितने दिन गुजरते जाते हैं सीमेंट के महीने, जितने दिन महीने या महीने, उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि सीमेंट को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लिया जाए, इसीलिए कहा गया फर्स्ट कम फर्स्ट यूज। ये उसके बाद उतना ही हम स्टोर रखेंगे जितनी हमारी आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टोर कर लिए, दो तीन महीने से स्टोरेज पड़ा हुआ, जो स्टोरेज पड़ा स्टोरेज हो जाएगा तो सेट होने लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं एक एक से दो दिन के कंजम्पशन के लिए जरूरत के लिए कोशिश करें कि मार्केट चले। नेक्स्ट क्या है, टेम्पररी, टेम्पररी मेथड ऑफ स्टोरेज, ऑफ स्टोरेज इन वेट वेदर शुड नॉट बी अडॉप्टेड, टेम्पररी मेथड ऑफ स्टोरेज इन वेट वेदर शुड नॉट बी अडॉप्टेड, मतलब टेम्पररी वेट मतलब क्या होता है, गीला मौसम, गीला मौसम होता है, बारिश का भी मौसम हो सकता है ना, या पे ऐसा कि ठंड का मौसम है उसमें ओस ज्यादा पड़ रहे हैं, है ना, फॉग हो रहा है, फॉग ज्यादा पड़ रहा है, हो रहा है, तो क्या करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको ओपन फील्ड में रख देंगे, उसको ट्रिपॉल से या बैग से, प्लास्टिक बैग से या किसी चीज से कवर करेंगे ताकि उसकी जो नमी है ना अंदर ना जाए, उसको टेम्पररी ऐसे ओपन फील्ड में नहीं छोड़ देंगे। ओपन फील्ड का मतलब कि सीमेंट का बोरे आया उसको ऐसी उसी तरह रख दिए बिना कवर किए बिना ढके उके, तो क्या करेगा वो, पता है वो वही मॉइस्चर वाला कंडीशन आएगा, नमी वाली कंडीशन आएगी और वो सेट होने लगेगा। तो ये जो चीजों थी चीजें हमारी कुछ चीजें थी स्टोरेज मतलब साइट पे कैसे स्टोर किया जाता है, दो तीन पॉइंट थे। तो ये तो हमारा था सीमेंट और स्टोरेज ऑफ साइट, इसका प्रिकॉशन था क्या है, स्टोरेज क्या है, वो चीज बताया। एक कंपोनेंट का हमारा मतलब एक मटेरियल जैसे इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट था, कंक्रीट के एक इंग्रेडिएंट मतलब सीमेंट का जो स्टोरेज हो वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट मटेरियल क्या है, एग्रीगेट के लिए, स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट, बाकी सारी चीजें स्टोरेज के लिए ही है। इस अभी तक की जो टॉपिक स्टोरेज के रिगार्डिंग ही है, तो लेकिन अब हर मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है और अलग तरीके से यूज भी होता है, तो जैसी जिसकी आवश्यकता है जैसी जरूरत है वैसे हमको काम करना पड़ता है। तो वो अब लेंगे स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट, अब क्या है स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट, नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट, हैंडलिंग एंड
स्टॉप विल फाइटिंग ऑफ ऑफ कंप्लीट ऑफ कोर्स of course certificate can easily lead to segregate more especially when aggregate has to roll down also when aggregate has to roll down also handling and stock piling of coarse aggregate can easily lead to segregate more especially when aggregate has to roll down on the slope. मतलब ये कह रहा है ना हैंडलिंग और स्टॉक, मतलब कि अगर स्टॉक अगर ढंग से नहीं रखे या हैंडल नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ज्यादा हाइट से अगर कॉन्क्रीट को अगर ये एग्रीगेट को अगर गिरा रहे हैं या स्लोप से गिरा रहे हैं तो क्या करेगा, क्या कॉज करेगा, सेग्रीगेशन, मतलब इसके पास गिट्टी क्या है कॉन्क्रीट से अलग हो जाएंगे. तो सेग्रीगेट का ये मतलब होता है गिट्टी सीमेंट गिट्टी बालू से मतलब कॉन्क्रीट मटेरियल से गिट्टी का अलग हो जाना वो सेग्रीगेशन का होता है. रोल डाउन ऑन स्लोप, रोल डाउन मतलब स्लोप वाली कोई जगह है उसमें अगर गिरा रहे हो तो ज्यादा हाइट होता है हैंडलिंग एंड स्टॉकिंग का होता है. तो स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट है ये, मतलब स्टोर एग्रीगेट को कहाँ स्टोर किया जाता है. अब नेक्स्ट जो स्टेप देखते हैं स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट को स्टोरेज करने में कौन कौन सा स्टेप उसको देखते हैं. पहले क्या है मेंटेनिंग, नेक्स्ट है हमारा मेटिंग यूनिफॉर्म वाटर सरफेस कंडीशन, prevent segregation, avoid mixing of harmful materials, ठीक है. पहला पॉइंट क्या है, मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेडिंग, मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेडिंग. यूनिफॉर्म क्या था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब होता है सब एक जैसे, यूनिफॉर्म मतलब क्या है सब एक जैसे. नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई अलग ड्रेस पहना है कोई अलग ड्रेस पहना है, मतलब कॉलेज में जब भी आते हैं एक यूनिफॉर्म में आते हैं तो मतलब सब एक ही ड्रेस में है ना. अब बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो सब अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, तो उसका करने का मतलब कि सब एक ग्रेडिंग का, सब एक साइज का. ऐसा नहीं कि 10 एमएम एक में मिला हो 20 एमएम भी मिला हो, 10 एमएम 20 एमएम एक भी एक ही में मिला हो, ऐसा केस नहीं होना चाहिए. ऐसा केस होना चाहिए कि अगर 20 एमएम का साइज का अगर कॉन्क्रीट है कोर्स एग्रीगेट है तो 20 mm के साइज एक जगह रहे, 10 mm का है तो 10 mm एक जगह रहे, 5 mm का है तो 5 mm एक जगह स्टोर रखा रहे. हमें जैसे जरूरत होगी हम वैसे यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं कि सारी चीजें एक ही में मिला देंगे. ये मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, ग्रेडिंग मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है.
अब नेक्स्ट मेंटेन यूनिफॉर्म सरफेस वाटर कंडीशन। सरफेस वाटर कंडीशन जो होते हैं यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरफेस वाटर में नीचे पानी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि नीचे कंक्रीट में पानी बहुत ज्यादा या कंक्रीट में बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। जब कंक्रीट में बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा जो पहले से ही नमी मौजूद है, जब पहले से ही नमी मौजूद है अगर फिर पानी दोबारा डालेंगे हमें तो ये जो परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे ना कि कितना पानी उसमें मौजूद था, मतलब कि कंक्रीट के सरफेस पे कितना पानी मौजूद था ये तो परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन बस हमें ये पता है कि इतना परसेंटेज में पानी डाला है, 34% पानी इसमें डाला ये हमें पता है। तो क्या हुआ कि हो सकता है कि वो 34% हो और ये जो 10% पहले से पानी हो, 10% या 5% में सपोज करो, मैं बता दे रहा हूँ कितना परसेंट होता है उसमें, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा कितना परसेंट होगा उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ सपोज कर लीजिए कितना परसेंट पहले से कंक्रीट में पानी था एग्रीगेट में, सॉरी कंक्रीट में नहीं एग्रीगेट में, तो 34% चाहे उसके बाद 2% हो चाहे 4% हो चाहे 8% कुछ भी हो, लेकिन 34 के बाद तो इंक्रीज किया ना परसेंटेज वाटर परसेंटेज, तो इंक्रीज किया तो स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी, कहीं वो वाटर का जो रेशियो है वो तो बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेंथ हमारी सीपेज कंडीशन है, सारी कंडीशन हमको मतलब कि हमारे उस एक खराब कंक्रीट की दिशा में लेके जाएगा, ऐसा नहीं मुझे अच्छी की दिशा में लेके जाएगा, मुझे खराब कंक्रीट की दिशा में लेके जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम होगी। और नेक्स्ट क्या, प्रिवेंट सेग्रीगेशन, प्रिवेंट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन से बचाना पड़ेगा। सेग्रीगेशन में क्या होता है, गिट्टी बालू का सीमेंट का सब अलग हो जाना, गिट्टी बालू गिट्टी का ये कोर्स एग्रीगेट या तो फाइन एग्रीगेट का सीमेंट से कंक्रीट से अलग हो जाना, ये सेग्रीगेशन कहलाता है। नेक्स्ट, अवॉइड मिक्सिंग हार्मफुल मटेरियल इन एग्रीगेट, अवॉइड मिक्सिंग हार्मफुल मटेरियल इन एग्रीगेट। हार्मफुल मटेरियल कैसे होंगे, ये जैसे हमारी होंगी पत्तियां होंगी, पत्तियां होंगी, लकड़ियां होंगी, मिट्टी चिट्टी हो गए, हमारे डस्ट हो गए, सिल्ट हो गए, और क्या हो गया, घास फूस हो गए, ये सब सारी चीजें इसमें मिलनी नहीं चाहिए। अगर ये सब मिल जाएंगी तो ये देखिए घास पत्ती ये सब जो भी चीजें जल्दी सड़ जाती है, जब सड़ने लगेंगी तो दूसरे मटेरियल को भी नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ ना कुछ तो हार्म करेंगे। तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या करते हैं इस सब सारी चीजों का उनको दूर रखते हैं, तो एक अच्छी कॉन्क्रीटिंग का जो प्रेजेंस देगा। तो ये हमारी तो थी स्टोरिंग ऑफ एग्रीगेट शुड बी डन स्टोरिंग ऑफ एग्रीगेट। और नेक्स्ट जब चलते हैं प्रिकॉशन इन स्टोरिंग एग्रीगेट, प्रिकॉशन इन स्टोरिंग, प्रिकॉशन स्टोरिंग एग्रीगेट, पहला क्या है, शुड बी स्टोर्ड ऑन हार्ड ड्राइव सरफेस, सेकेंड क्या है, नेवर नेक्स्ट क्या है,
चलिए राइटिंग में जाइए, राइटिंग में मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन किया जाए, बाकी नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो प्रिकॉशन इन स्टोरिंग सीमेंट, सीमेंट के स्टोरिंग में क्या सब प्रिकॉशन, क्या कदम हमें उठाना चाहिए। पहला क्या है, स्टोर हार्ड एंड ड्राई सरफेस, जो एग्रीगेट को कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, हार्ड एंड ड्राई सरफेस। हार्ड मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे धूल वाली रेत वाली जगह हो, जहां पे धूल उड़ रही हो, ऐसी जगह नहीं, मतलब सरफेस जो हार्ड हो और ड्राई मतलब सूखा सरफेस हो, सूखा हो। सूखा क्यों होना चाहिए, ताकि उसकी नमी उसमें ना आए, ताकि मिट्टी की जो नीचे सरफेस की नमी है ना, वो कॉन्क्रीट वो एग्रीगेट में ना आए। और नेक्स्ट है नेवर डैम्प ऑन ए ग्रास, नेवर डैम्प ऑन ए ग्रास, अगर ग्रास पे नहीं रखना चाहिए, जैसे घास फूस वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तो नीचे से जब सरफेस उठाएंगे ना, जब नीचे से सरफेस उठाएंगे तो घास फूस के साथ चली आएगी, तो क्या होगा, वो हमारे हार्मफुल है। ये हो गया नेक्स्ट, लीव पत्तियां वेजिटेबल, लीव पत्तियां वेजिटेबल या हार्मफुल मटेरियल को इसमें साल्ट टाइप का या ऑयल जैसा है, ये सब मिक्स नहीं होना चाहिए, ये सब अगर मिक्स है तो यूज नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बॉटम अप टू 300 ml नॉट यूज, मतलब बॉटम ये कर रहे, ये मैंने कॉन्क्रीट रखा है, ये मेरा क्या है सरफेस है, यहां से 300 ml डिस्टेंस है, मतलब ये एग्रीगेट है हमारा, सपोज ये हमारा एग्रीगेट है, तो नियर अबाउट हमें 300 ml तक का यूज नहीं करना चाहिए, 300 ml के ऊपर तक को यूज करेंगे, क्योंकि नीचे मिट्टी चिट्टी सारी जो गंदगी आती है यहीं पे रहती है, मतलब एक 300 ml के बाद हम उसको यूज करेंगे, उससे नीचे का हम छोड़ देंगे, या तो फिर भाई वैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर मिट्टी उट्टी पर रखें ऐसी जगह पर रखें तो तक छोड़ देंगे, या तो फिर क्या करेंगे ट्रिपॉल रखेंगे, प्लास्टिक का लेयर अलग डालेंगे, या सरफेस जो रखे रहेगा अच्छे सरफेस पे रखेंगे तो यूज कर सकते हैं, ये नहीं करने का मतलब हमेशा फेंक ही दीजिए। अगर आपने ये होता है कि आपने उस फील्ड पे किस फील्ड पे रखा जाए, अगर कभी कोई कंडीशन होता है कि ऐसी कंडीशन पे ना हमारे पास कोई कंडीशन वो नहीं होता, प्लास्टिक नहीं अवेलेबल होती है, या फिर प्लास्टिक अवेलेबल रखने में आपसे कोई समस्या आ रही है वहां पे, तो उस जगह के लिए ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक नहीं रख सकते, कुछ रख ही नहीं सकते नीचे सरफेस, जैसे मैं वही सरफेस पे फेंकना है, सारी कंडीशन तो बता रहे हैं किस सरफेस पे रखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना होगा। जिस साइड में ज्यादा नमी हो, तो समझ में आया, ये जो था हमारे जो टॉपिक था हमारे इसकी स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट, प्रिकॉशन, सारी चीजें डिस्कस कर ली गई है, अब नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।